नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। अगर भाजपा और कांग्रेस चाहती तो पिछले साल ही प्रमोशन में आरक्षण बिल पास हो जाता, कहा बसपा राज्यसभा सांसद अवतार सिंह ने। नामधारी समाज के गुरु सतगुरु श्री जगजीत सिंह जी के निधन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया शोक प्रकट। एक निजी संस्था के सहयोग से मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बांटे गर्म कपड़े। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा दिए एमटीए की परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को पास करने के मामले में 4 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। और अब खबरें विस्तार से। अगर भाजपा और कांग्रेस चाहती तो पिछले साल ही प्रमोशन के आरक्षण बिल पास हो जाते, लेकिन यह दल इस बिल पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। यह बात बसपा के राज्यसभा सांसद अवतार सिंह ने मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्यसभा के सांसद अवतार सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अवतार सिंह ने राज्यसभा में एफटीआई को वोट न देने के कारणों को बताया। इस बार कोला चुप हो गया, एफडीआई आ गया। बहन जी ने कहा कि इश्यू तो कोई ना कोई आता रहेगा, हमारे बिल का क्या बनेगा? एससी एसटी का प्रमोशन में आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उसके लिए जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में करना है, उसका क्या होगा? उसके बारे में पहले जी एफडीआई पे डिस्कशन करा लो, फिर हो जाएगा। हमने बोला ये भी करवा लो। हमने राज्यसभा में एफडीआई के पक्ष में वोट भी दिया। क्यों दिया? कि कल को अगर कांग्रेस राज्यसभा में हार गई तो ये एससी एसटी के आरक्षण का बिल राज्यसभा में पास करवाने से मना कर देगी कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए ये पास नहीं हो सकता है। अवतार सिंह ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, जबकि भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर अड़ियल रवैये अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और कांग्रेस इसकी पक्षधर होती तो यह बिल पिछले साल ही पास हो गया होता। तो क्या करेंगे? आज आप देख रहे हो दिल्ली के पार्लियामेंट में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या दिक्कत है इसमें? कह रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ईमानदार नहीं है, कांग्रेस भी ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते तो ये बिल पिछले सेशन में पास हो जाता है। जो पहला सेशन था इससे, उसमें इन्होंने कोले का इशू बनाया, कोला घोटाला, और कोशिश ये थी कि ये बिल ना आ सके। इस सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश व जिला स्तर के तमाम सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। नामधारी समाज के गुरु जगजीत सिंह जी महाराज के निधन पर मंडी स्थित गांधी भवन परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी याद में मौन भी रखा गया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के निधन पर मंडी स्थित गांधी भवन परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता चमन राही ने कहा कि सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज ने हर धर्मों के लोगों के लिए अपना योगदान दिया है। सतगुरु जगजीत सिंह जी, उनका आज हमारे कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है गांधी भवन में, वहाँ पे शोक सभा का आयोजन हुआ और सतगुरु जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ हिस्सा लिया और आज जो शोक की लहर मंडी में
और पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसका एक ही कारण है कि सतगुरु जगजीत सिंह महाराज ने सभी मानव समाज के लिए जाति पाति से ऊपर उठ के सभी धर्मों को विश्वास में लेके जो समाज के निर्माण के लिए जो कार्य किए हैं वो एक अनूठी मिसाल है पूरे देश में। और उसको लेके आज शोक सभा जो हुई तो हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, इसमें अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित विभाग और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी और नगर परिषद मंडी के पार्षद और हमारे यूथ के और दूसरे सभी पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। सिखों के गुरु नामधारी सतगुरु जगजीत सिंह जी को, वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, न केवल सिखों के लिए लेकिन हर धर्म के लोगों के लिए उनका एक अलग योगदान रहा है। आज सभी ने मिलजुल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको स्वर्ग नसीब हो। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। मंडी शहर की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक निजी संस्था द्वारा मंडी उपायुक्त देवेश कुमार के माध्यम से गर्म ऊनी वस्त्र बांटे गए। इस मौके पर इन गरीब लोगों ने उपायुक्त को हार पहनाकर सम्मानित किया। शनिवार को एक निजी संस्था द्वारा मंडी उपायुक्त देवेश कुमार के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को गर्म ऊनी वस्त्र बांटे गए। इस मौके पर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि इससे पूर्व में भी रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा एक कैंप का आयोजन कर गरीब लोगों को दवाइयां और जरूरतमंद वस्तुएं बांटी गई थी। साथियों, आप सभी बड़ी विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपके दर्द को हम भी समझते हैं। कुछ समय पहले हमने यहाँ पर एक रेड क्रॉस के माध्यम से भी एक कैंप लगाया था, दवाइयाँ और दूसरी जरूरत की वस्तुएं हमने यहाँ पर वितरित करी थी। सर्दियों के मौसम में कुछ वस्त्र वितरित करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई समाज के इस निचले तबके के लिए भी हम ही नहीं, हमारे साथ में समाचार पत्र और दूसरे अंग समाज कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। वहीं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हेमंत राज वैद्य ने उपायुक्त का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सबके लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आज उनके बीच उपायुक्त ने आकर इन गरीब लोगों को वस्त्र बांटे हैं। ये हमारे मुखिया की पहचान है कि इतने बड़े अहुदे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति आज इस सर्दी के मौसम में गरीब का, छोटे तबके का और अपने परिवार के लोगों का हालचाल पूछने के लिए उनके घर द्वार में गया है। झुग्गी झोपड़ी वाले उन्हें बांटे गए गर्म वस्त्रों को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और इस अनुकंपा के लिए उन्होंने सभी का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। कुल्लू जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा के कारण जहां पूरी तरह से कुल्लू घाटी ठंड की चपेट में आ गई है, तो वहीं यह बर्फबारी बागवानों और किसानों के लिए फायदेमंद भी है। अब घाटी के बागवान और किसान अपने बगीचों और खेतों में पौधों के रखरखाव का कार्य करने की तैयारियों में जुट गए हैं। कुल्लू जिला में इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा एक महीना पहले ही बर्फबारी हो गई है। गत वर्ष कुल्लू घाटी के मनाली क्षेत्र में 6 जनवरी को पहला हिमपात हुआ था और इस वर्ष सर्दी का पहला हिमपात 11 दिसंबर को हुआ। कुल्लू जिला के ऊपरी क्षेत्र में हुई अच्छी खासी बर्फबारी से जहां घाटी के बागवान बेहद खुश हैं, तो वहीं कुल्लू घाटी के निचले क्षेत्रों में हुई वर्षा को भी फसलों के लिए अच्छा माना जा रहा है। बर्फ आएगी तो चलो हमारा जीवन सुखी है, बर्फ आएगी तो चलो कई बीमारियां खत्म हो जाती है और हमारे सेहत के लिए, फसलों के लिए सबसे बढ़िया जो है बर्फ ही है। और बाकी जो बारिश हुई है इसके हमारे सब्जी जैसे लहसुन वगैरह है, कई तरह की सब्जियां है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और आगे गेहूं गाँव बीजने हैं उनके लिए भी, फिर कल जो ये बारिश पड़ी है उनके लिए भी बहुत, हर किसान के लिए अच्छा हो गया जो है ना जी। बर्फबारी का है सिस्टम,
बर्फ से जो हमारे सेब के बगीचों के लिए बीमारी बीमारी जो है ना काफ़ी राहत प्रति है, जबकि इस पर हमारी कम होती है और बहुत ही ज़्यादा फायदा बर्फबारी से हाइट में जो जितने भी। इस बार बर्फ के जल्दी गिरने से फसल अच्छी होगी क्योंकि बर्फबारी से पेड़ पौधों को बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। पाल द होम स्टोर, अ वन स्टॉप शॉप टू फुलफिल योर फर्नीचर एंड फर्निशिंग रिक्वायरमेंट्स। Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, number one furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal the Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC Helai सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाए। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 0190524131। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले एक नाम, जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहां खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुंचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा दिए एमटीए की परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को पास करने के मामले में प्रशासन ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और छात्रों के परिणामों को भी रद्द कर दिया गया है। यह छात्र कैसे बिना परीक्षा दिए पास हो गए, इसको लेकर जांच भी बिठा दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने से प्रदेश की एकमात्र विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन इसे क्लेरिकल मिस्टेक की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। आखिर एक ही क्लास के 5 छात्रों को बिना परीक्षा दिए कैसे पास कर दिया गया, और वह भी एक ही छात्र संगठन के। विश्वविद्यालय के कुलपति ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर जांच बिठा दी है। क्या स्कैम हुए नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती भाई। समझिए कि विश्वविद्यालय हमारे प्रकरण सामने आया है, हमारे पास रिपोर्ट आ गई। परसों हमारे पास लड़के लोग आए, कल रिपोर्ट आ गई, आज एक्शन ले लिया हमने। क्या एक्शन लिया सर? पता चल जाएगा आपको जो एक्शन ले लिया। कोई इसमें कुछ कार्रवाई किसी के खिलाफ सर? कुछ
सब पता चल जाएगा आपको। शाम को विश्वविद्यालय में बचता नहीं है कुछ भी, सब पता चल जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के SCA अध्यक्ष राहुल चौहान ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। राहुल चौहान का कहना है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा माफिया काम कर रहा है और अब तक कितने छात्रों को बिना परीक्षा दिए पास किया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। MTA के अंदर जून महीने के अंदर 13 तारीख को जो MTA सेकंड सेमेस्टर का डेस्टिनेशन एंड प्लानिंग का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 5 लोग अपेयर नहीं हुए थे और उनकी पूरी अब्सेंट उसके अंदर शो हुई है। डेस्टिनेशन प्लानिंग का ये पेपर था और उसके अंदर इन लोगों ने ये एग्जाम ही नहीं दिया है और उसके बावजूद जब रिजल्ट इनका आउट किया जाता है तो रिजल्ट के अंदर ये सभी के सभी लोग उसके अंदर पास दर्शाए गए हैं, जिसके चलते कि पूरा का पूरा ये स्कैम जब जिस दिन ये रिजल्ट आउट हुआ उसी दिन जो वहाँ MTA के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स ने कहा कि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल ही गलत तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर जो ये 5 लोग हैं इन्होंने पेपर नहीं दिया है और ये बिल्कुल पास है और टॉपर्स की लिस्ट में इसके अंदर है। उसके बाद जब हमने इसके अंदर पूरी इंक्वायरी की, पूरा स्टिंग ऑपरेशन एक किया, तो उसके चलते जब हमारे हाथ अटेंडेंस शीट लगी, इवेल्युएशन ब्रांच का ग्रीन मेमो लगा, तो उसके अंदर ये बिल्कुल अब्सेंट पाए गए हैं और जब गजट हमने शो किया, हिस्ट्री शीट हमने चेक की, तो उसके अंदर ये सारे के सारे लोग पास है और पास ही नहीं इवन की ये डिपार्टमेंट्स के अंदर टॉपर्स की लिस्ट में आ गए हैं और जो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ है जिन लोगों ने बिल्कुल अपनी तैयारियां करते हुए लाइब्रेरी के अंदर दिन रात एक करते हुए अपनी एग्जाम्स की तैयारी की है और उसके बावजूद भी उनका जो रिजल्ट है वो 9th और 10th नंबर पे और ये जो 5 लोग हैं ये बिल्कुल टॉपर्स की लिस्ट में। बहरहाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आने से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। छात्र कैसे बिना परीक्षा दिए पास किए गए, यह सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। नाउ अवेल टीचिंग जॉब एट फेमस इंडसवर्ल्ड स्कूल। Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905-223500 and 223577. ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, जो उन्हें टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहां उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ऊना जिला के गांव पंजावर की रहने वाली रजनीश बाला ने 38वीं राष्ट्रीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रजनीश बाला हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। गौर रहे कि रजनीश बाला राष्ट्रीय स्तर पर 4x400 रिले दौड़ में प्रतियोगिता में हिमाचल को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
शायर की इन पंक्तियों को सच कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गांव पंजाब की रहने वाली रजनीश बाला ने। 38वीं राष्ट्रीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में रजनीश बाला ने तीसरा स्थान हासिल कर हिमाचल पुलिस के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता की 4x400 रिले दौड़ स्पर्धा में रजनीश बाला ने कांस्य पदक जीता है। रजनीश बाला हिमाचल पुलिस की महिला बटालियन बस्सी में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। कांस्य पदक जीतने के साथ ही रजनीश बाला हिमाचल प्रदेश की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिसने हिमाचल को 4x400 रिले दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाया है। रजनीश बाला अपनी ड्यूटी के साथ साथ खेल स्पर्धाओं में भी विशेष रुचि रखती है जिसके चलते इस पुलिस बाला को दिन रात कड़ी मेहनत करने पड़ती है। ये ऑल इंडिया वीमेन नेशनल था जो चेन्नई में हुआ, इसमें 4x400 रिले में हमारा ब्रॉन्ज मेडल है। ये ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल में पहली बार ही आया है इस रिले में। आज से पहले रिले में हम फोर्थ रह चुके हैं पर मेडल की आशा नहीं थी अभी। इस बार ये हमारा फर्स्ट टाइम ही हिमाचल पुलिस में भी ये मेडल है। हाँ, विभाग की तरफ से मेरे को पूरा सहयोग मिला। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने बताया था कि मैंने शुरू से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखा है। फिर यहाँ पे ट्रायल वगैरह हुआ और कैंप में मेरी सिलेक्शन हुई। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो एथलेटिक्स का कैंप लगाया ऊना में, हमारे कोचेज मनमोहन सर, इन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई। आगे तो एशियन गेम में मेडल की होप है। और 400 मीटर एक ऐसा इवेंट है जिसे हिमाचल के बहुत अच्छे रनर निकलते भी हैं और निकल रहे भी हैं। हिमाचल के प्लेयर किसी से भी कम नहीं है, ये तो नेशनल लेवल पे काफी बार प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग। वही हिमाचल की इस खिलाड़ी को कोचिंग देने वाले कोच तथा पुलिस एथलेटिक टीम के कप्तान भी मानते हैं कि रजनीश बाला अपने खेल को बहुत ही लगन से खेलती है। रजनीश के कोच तथा कप्तान ने उसके इस प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रजनीश एक बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, इसलिए इन्हें आशा है कि हिमाचल की यह बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। ये तो एक अच्छी होनहार लड़की है और काफ़ी मेहनत करती है ये, और आइंदा ये ऐसी मेहनत कर रही है कि ये कम से कम एशियाड से मेडल आएगी। तो किस तरह की इनको ट्रेनिंग आपने दी है? ट्रेनिंग इनको हर तरह की दी जा रही है, यानी जो एथलेटिक्स शेड्यूल के हिसाब से सारी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। तो क्या विभाग की तरफ से सुविधाएं पूरी मुहैया हो पा रही हैं? हाँ, विभाग की तरफ से हमारे को अधिकारियों की तरफ से पूरी सुविधाएं और कैंप भी लगातार चल रहा है, और जिस भी हमारे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अधिकारी हमारे को मुहैया करवाते हैं। हमारी टीम में पहले जो कैंप लगे उसमें और भी लड़कियाँ थीं पर उनका इंटरेस्ट नहीं था और कुछ की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, पर रजनीश बाला का शुरू से अपने एथलेटिक्स के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और इसी के कारण आज उसने उच्च मुकाम अपना हासिल किया है। और साथ में अब हमारी फरवरी महीने में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स है, वहाँ पे इसकी मेडल की अच्छी दावेदारी है। उसके बाद वहाँ मेडल लेने के बाद ये वर्ल्ड पुलिस खेलने भी जा सकती है अगर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारी तरह से ये आशा जी, वो पहले हमारे देश का नाम उसने अब वुमेन नेशनल में रोशन किया है, इस आगे वो नेशनल सीनियर नेशनल में जाए, अब ऑल इंडिया पुलिस गेम्स है उसमें करें, उसके बाद इसकी सिलेक्शन नेशनल इंटरनेशनल तक ये जा सकती है, क्योंकि इसमें करने की लगन है और जिसमें लगन होती है वो तो कामयाब होता ही होता है। रजनीश बाला की इस उपलब्धि से पुलिस अधिकारियों में भी खुशी की लहर है। एएसपी ऊना ने कहा कि यह हिमाचल पुलिस के साथ साथ प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ऊना जिला से संबंध रखने वाली पुलिस की महिला जवान ने यह मुकाम हासिल किया है। एएसपी ने कहा कि पुलिस विभाग रजनीश बाला को अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया करवाने का हर संभव प्रयास करेगा। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।